फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल वी फिल्मी पर। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं एक सुपर हीरो वाली फिल्म गणपत, जिसे डिस्टोपियन फिल्म का नाम देकर खूब हाइप किया गया था। जी हां, गणपत थिएटर्स में आ चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे ये डिस्टोपियन फिल्म क्या है, तो ठहरिए जरा, जान लीजिए। डिस्टोपियन फिल्म यानी फ्यूचर में आतंक और तबाही का महामंजर दिखाने वाली मूवी। अब फ्रेंड्स, मुझे ये समझ नहीं आया कि इतना ज्यादा हाइप, ह्यूज स्टार कास्ट, फ्यूचरिस्टिक मूवी और VFX नेक्स्ट लेवल का नाम दिखाकर दर्शन छोटे क्यों ही कराए भाई। अब स्टोरी की बात करें, उससे पहले आप चैनल जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी और भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। हाँ, तो बात हो रही थी मूवी की स्टोरी की। तो स्टोरी ऐसी है कि वॉर होती है और दुनिया की तबाही हो जाती है। जनता दो तरीके से बढ़ जाती है, गरीब और हद से ज्यादा अमीर। दोनों के बीच अमीरों ने एक दीवार बनाई है जिसे तोड़ेगा कौन? हमारा स्काईफाई सुपर हीरो गणपत यानी टाइगर श्रॉफ, जहां सहारा लिया जाता है रिंग फाइट के नाम पर गेम का। बहुत अलग सोच है मूवी बनाने वालों की। इस फाइट को अमीर लोग जुए की तरह यूज करते हैं। इसके बीच में गुड्डू यानी टाइगर श्रॉफ गरीबों का सहारा बनकर निकलता है और नाम दिया जाता है गणपत। मूवी में प्यार का ट्विस्ट ओवरडोज की तरह दिखाया गया है। कृति सानन की एक्टिंग काफी रेपिटेटिव सी फील हो रही है। मुझे ऐसा लगा कि मूवी की स्टोरी फ्यूचर को माइंड में रखकर क्यों बनाई, अगर प्रेजेंट में भी दिखाई जाती तो ऐसी ही लगती। फालतू का डिस्टोपियन फ्यूचर दिखाकर उल्टे सीधे VFX डालकर मूवी को इतना बेढंगा क्यों बनाया? इससे तो हजार गुना अच्छा आदि पुरुष मूवी का VFX था। यहां तो कैरेक्टर के पीछे के VFX हिलते डुलते से नजर आ रहे हैं भाई। यहाँ तक कि इंटरवल के बाद एक सीन में कृति सैनन को दुश्मन बेहोश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उस सीन में पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी थी, क्या उसे किसी ने नोटिस नहीं किया? और अगर नोटिस किया तो उसे हटाया क्यों नहीं? आपका एंटरटेनमेंट तो हो ही जाएगा, पर मूवी देखे बगैर फ्रेंड्स, सो ये मूवी बहुत ज्यादा ट्रोल होने वाली है। सबसे पहले इसके VFX के लिए और फिर बचकानी एक्टिंग के लिए और सबसे ज्यादा वीक स्टोरी लाइन की वजह से। क्लाइमेक्स में विलन दिखता तो है और वो थोड़ा सा यूनिक भी लगा। ये एक स्टोरी की अच्छी बात थी, सिर्फ ये एक। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसके साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बाय फ्रेंड्स।